गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के भटकंती में मेरा टारगेट है ताड़ोबा अंधारी टाइगर प्रोजेक्ट। लेकिन जंगल सफारी से पहले मुझे स्टे करने के लिए एक ऐसे जगह की तलाश थी जो शहर की भीड़भाड़ से दूर हो, जो जंगल से सटा हुआ हो और एकदम नेचुरल हो। ऐसे प्लेस का सर्च मैंने गूगल पर किया और मैंने पाया एक बहुत ही सुंदर सा फार्म, जो एक रिसोर्ट है जिसका नाम है नीलावर फार्म्स एंड रिसोर्ट। ये रहा नीलावर फार्म्स एंड रिसोर्ट का कॉन्टैक्ट नंबर। यह बहुत बड़ा फार्म है जिसकी ये बाउंड्री आप देख रहे हो, और अभी हम चलेंगे अंदर की ओर। हम चलेंगे नीलावर फार्म के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर से एंट्री है इस नीलावर फार्म की। दोस्तों, जब भी हम कहीं जाते हैं या रुकते हैं तो हम दो चीज़ों का ध्यान जरूर रखते हैं। एक तो वहाँ पर पूरी हमारी सुरक्षा हो, मतलब सिक्योरिटी हो, इसके अलावा वहाँ पर फैसिलिटीज पूरी हो, सभी सुविधाओं से संपन्न ये प्लेस है। इसकी मुख्य इमारत मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुंदर सी इमारत इस नीलावर फार्म की है। हम जा रहे हैं इसके एंट्रेंस की ओर। बहुत ही सुंदर सी एंट्री है इसकी। इसी गेट से आप इस रिसोर्ट के एंट्रेंस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट्स के लिए कुछ कॉटेजेस बनाए हुए हैं। ताड़ोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के जंगल सफारी के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए जिप्सीज यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाती है। बहुत ही सुंदर कॉटेजेस यहाँ पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर लॉन है, यहाँ पर बर्थडे पार्टीज़, किटी पार्टीज़, मैरिज एनिवर्सरीज़, गेट टुगेदर्स और वो सारे फंक्शंस यहाँ पर सेलिब्रेट किए जा सकते हैं जो आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। इस रिसोर्ट का चेक इन टाइम है सुबह 11 बजे और इसका चेकआउट टाइम है सुबह 10 बजे। इस रिसोर्ट में आपको एयर कंडीशनड कॉटेज मिल जाएंगे। जहाँ पर आप रुक सकते हैं। इस कॉटेज का मैं आपको इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सा कॉटेज है। इस एसी कॉटेज में सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाती है। इस कॉटेज के अंदर में ही ये इतना बड़ा बाथरूम है। इस रिसोर्ट में आपको सिंगल बेड, डबल बेड, डॉर्मेट्री और स्पेशल रूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कॉटेज से बाहर निकलते ही आपको जो नैसर्गिक नज़ारे नज़र आते हैं, यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से पेड़ पौधों को लगाया गया है। सुंदर अनेक प्रजाति के पौधों को आप यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही सुंदर ऐसा नज़ारा इस जगह पर बनाया गया है। यहाँ संपूर्ण परिवार सहित आप आनंद लेने के लिए आ सकते हो। हर कॉटेज में म्यूज़िक प्ले करने के लिए आपको यहाँ पर साउंड सिस्टम दिया गया है, जहाँ पर आप संगीत का आनंद ले सकते हैं। लगभग 5 एकड़ में फैले हुए इस नीलावर रिसोर्ट की शुरुआत सन 2017 में की गई है। इसके पश्चात अनेक डेवलपमेंट्स यहाँ पर किए गए हैं और ये आज बहुत विस्तृत ऐसा फार्म बन चुका है। इसकी सैर में आपको करा रहा हूँ। नीलावर फार्म की एक विशेषता यह भी है कि इस फार्म के पास ही एक नैसर्गिक लेक है। उस लेक पर आप सूर्यास्त और सूर्योदय का आनंद ले सकते हो। नीलावर फार्म एंड रिसोर्ट यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको मूल से चंद्रपुर इस रोड से लगभग 3 किलोमीटर अंदर आना है। इसी रोड से आपको जंगल सफारी के लिए मामला गेट पर ले जाया जाता है, जहाँ से आप जंगल सफारी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी डॉर्मेट्री प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर लगभग 50 लोग आराम से रुक सकते हैं।
इस लगभग 5 एकड़ में फैले नीलावर फार्म का जो सबसे आकर्षक पॉइंट है वो है ये मचान। और इस मचान के पास में ही लगकर एक सुंदर सा लेक है जो तालाब है। इस तालाब के किनारे बैठकर सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद लेने में बहुत आनंद आता है। रिसोर्ट के जस्ट बैक साइड में आप ये देख रहे हो एक विशाल लेक है। इस तालाब के कारण इस रिसोर्ट की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इस रिसोर्ट में फैमिली पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, गेट टुगेदर्स, एनिवर्सरीज़ या मैरिज फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं। बच्चों के लिए यह फार्म किसी जन्नत से कम नहीं है। बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं। बच्चों के साहसिक अभियान हेतु यहाँ पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी प्रकार के लोग इस रिसोर्ट में आकर आनंद ले सकते हैं, अपना वैकेशंस बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी नीलावर फार्म में मेरा 2 दिन तक निवास रहेगा, जहाँ पर मैं आज दोपहर में 2:30 बजे की एक सफारी लूँगा और कल सुबह 6:30 बजे की दूसरी जंगल सफारी लूँगा। सुंदर से रिसोर्ट में एक सुंदर सी गणेश जी की प्रतिमा स्थापन की गई है। दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा हूँ इस विशाल और सुंदर रिसोर्ट के ओनर मिस्टर गजानन नीलावर जी से, जो कि इस बहुत ही विहंगम और सुंदर रिसोर्ट के मालिक है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आइडिया उनके मन में कैसे आई। सबसे पहली बात, मुझे पेड़ पौधों से बहुत प्यार है और जहाँ पे भी नया कुछ पौधा दिखता है तो मुझे लगता है कि मैंने ये लगाना चाहिए, और वो मेरे घर में तो पॉसिबल नहीं थी, तो मेरे पास मुझे ऐसी जगह चाहिए थी कि मैं वहाँ पेड़ और पौधों को बढ़ा लूँ। हमारे गणेश जी की कृपा है हमारे पर कि उसके वजह से ये इतना अच्छा डेवलप होगा और फ्यूचर में भी इतना अच्छा डेवलप होगा कि ये पूरे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट या ये पूरे विदर्भ के रीजन में इसका नाम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नेचर का यूज़ किया है कि लोग यहाँ आने के बाद नेचर का लुत्फ उठा सके। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फार्म इज अ वंडरफुल स्विमिंग पूल। दोस्तों, इस रिसोर्ट की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट www.nilavarfarms.com। दोस्तों, इस रिसोर्ट की विशेषता यह है कि आपको फुल टाइम रूम सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोग ग्रुप में आए हैं तो इस जगह पर आके सब लोगों को सर्व कराया जाता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर आपको प्रोवाइड किया जाता है। सुंदर कलाकृति से परिपूर्ण यह डाइनिंग हॉल है। इस नैसर्गिक निसर्गरम्य वातावरण में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने का आनंद कुछ अलग ही है। दोस्तों, रिसोर्ट में फ्री पार्किंग प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ आप यहां पर पेट्स भी ला सकते हैं। अगर आपके पास कुछ डॉगी है उनको लाया जा सकता है, किंतु इसकी पूर्व सूचना आपको होटल मैनेजमेंट को देनी होती है। अगर आप मूल रोड से चंद्रपुर की ओर आ रहे हो तो चिचपल्ली से आगे वलनी होते हुए आपको घंटा चौकी आना है। घंटा चौकी जो कि चेक पोस्ट है, 3 किलोमीटर की दूरी पर यह रिसोर्ट है। अगर आप ताड़ोबा जंगल सफारी की एंट्री मामला गेट से या झारी गेट से करने जा रहे हो तो यह बेस्ट प्लेस होगा आपके ठहरने के लिए। यहाँ से मामला गेट मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि झारी गेट 10 किलोमीटर की दूरी पर होगी।